फिलहाल आप देख सकते हैं प्रशासन ने एक बार फिर आपसे अपील करता है कि भाई आप जनहित में जो है ये रोड को खाली कर दें। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि आप जनहित में, आप किसानों के हित में सरकार को कहिए कि वो 6400 रुपए भाव दे, जो न्यूनतम है, कम से कम है, हम वही मांग रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग रहे। आप सभी को पुनः अपील की जाती है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, काफी लोगों को हॉस्पिटल में जाना है, तो आप करीब 12:30 से यहाँ बैठे हैं, पूरी पब्लिक परेशान है। आपसे अनुरोध है कि ये 15 मिनट के अंदर अंदर ये जीडी रोड खाली कर दे, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं 15 मिनट का समय दे दिया गया है प्रशासन ने, 15 मिनट का समय जो है वो दे दिया गया है। साथियों, प्रशासन ने 15 मिनट की चेतावनी दी है। हम साफ तौर पे बता देते हैं कि हमने 5वीं आज पंचायत है, 4 बार सरकार को चेतावनी दे चुके हैं, हमारी चेतावनी पे सरकार ने कोई असर नहीं किया है। जब तक हमारी सूरजमुखी 6400 रुपए एक क्विंटल में नहीं बिकेगी, तब तक हम सड़क से नहीं हिलेंगे। और हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि 15 मिनट का टाइम भी क्यों देता है, वो अपनी कार्रवाई करें, हम बिल्कुल अपनी सड़क से नहीं हटेंगे। अपने किसानों से अपील है कि अपने खानदान पे कलंक ना लगवाए भाग के। अगर आप में अपने खानदान का खून है तो मरे यहीं पे, छोड़ के ना भागे। जब जब हाकिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जब हाकिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जब हाकिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जब हाकिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। लड़ेंगे जीतेंगे आप देख सकते हैं किस तरह से 15 मिनट का समय जो है इन तमाम किसानों को दे दिया गया है, जो देखिए किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए, और काफ़ी किसान यहाँ से बाहर हो जाते हैं। देखिए जैसे ही वार्निंग दी गई, और उसी तरह देख सकते हैं किसान आधे से ज़्यादा बाहर चले जाते हैं उठ के यहाँ से, देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। फिलहाल आप देख सकते हैं 15 मिनट का समय जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया है। अब क्या कुछ रहता है 15 मिनट के बाद, वो आप सभी के सामने होगा। देख सकते हैं जो तमाम तस्वीरें यहाँ पुलिस देख सकते हैं यहाँ पर जो भारी बल के साथ जो है वो तैनात है। और फिलहाल 15 मिनट के अंदर जो नेशनल हाईवे है उसे खाली करने का समय जो है
वो दे दिया गया है। आप देख सकते हैं 15 मिनट के अंदर जो है ये खाली करने की हिदायतें प्रशासन द्वारा दे दी गई हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं इन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा या क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें और ABC हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुबह से आपको लाइव सबसे पहले दिखा रहा है। देख सकते हैं 15 मिनट के अंदर ये नेशनल हाईवे पिछले 5 घंटे से जो जाम है उसे खाली करने के लिए 15 मिनट का समय जो है वो दे दिया गया। आप सभी से मेरा अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। अगली तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा, इस खबर को आप शेयर जरूर करते रहे। शाबाद मारकंडा की ये तस्वीरें हैं, सुबह से 5 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, नेशनल हाईवे जो है वो जाम किया हुआ है और फिलहाल अब हाईकोर्ट के ऊपर से मैसेज आ चुके हैं कि नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे खाली करवाया जाए, जल्द से जल्द जो है वो खाली करवाया जाए। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, इस खबर को हर एक फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें ताकि हर एक व्यक्ति तक, हर एक किसान तक यह वीडियो जो है वो ज़रूर जानी चाहिए। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं 15 मिनट का समय है, अब 15 मिनट में नेशनल हाईवे को खाली करने के लिए किसानों को हिदायत पुलिस की तरफ से हिदायत जो है वो दे दी गई है। 15 मिनट का समय जो है वो ज़रूर दे दिया गया है, अब 15 मिनट बाद किसान खाली करेंगे या इन्हें यहां से उठाया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो किसान है वो किसान देख सकते हैं यहां से उठने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे के पुलिस प्रशासन के पास भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये तमाम किसान यहां पर आकर बैठ चुके हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को साथ के साथ आप शेयर जरूर करते रहें। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ABC हरियाणा आपको सुबह से दिखा रहा है और 15 मिनट का समय था, 15 मिनट का समय है कि इस नेशनल हाईवे को खाली जो है वो कर दिया जाए। पर उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जवाब था कि हम जो है नहीं उठने वाले, हम यहीं पर बैठने वाले जब तक हमारी MSP पर खरीदारी नहीं होती, जनहित में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे खाली किया जाए। इस तरह से जो प्रशासन की तरफ से अपील जो है वो की गई थी, पर किसान जो है वो अपनी बात पर सुबह से अड़े हुए हैं और अभी भी उठने को तैयार नहीं है, जिसकी यह लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप सभी से मेरा अपील, इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहना। काफ़ी किसान यहां से बाहर की ओर चले जाते हैं, जैसे ही चेतावनी दी गई काफ़ी किसान यहां से बाहर की ओर ग्रिल काप कर चले जाते हैं। किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की जो टीम है वो यहाँ पर ज़रूर बैठी हुई आपको सुबह से नज़र आ रही होगी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी यहाँ पर बैठे हुए और 15 मिनट का समय दूसरी ओर आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल, आप देख सकते हैं किस तरह से हाथों में बड़े बड़े डंडे जो हैं वो लिए हुए हैं पुलिस की, प्रशासन की टीमें आप देख सकते हैं, और वाटर कैनन यहाँ पर ज़रूर मंगा ली गई हैं, वाटर कैनन भी ज़रूर मंगा ली गई हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं समय 15 मिनट का है, अगर नई हाईवे खाली हुआ तो आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें जो हैं वो आगे बढ़कर जो हैं वो खाली करवाएंगी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग जो शाबाद चंडीगढ़ दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है। सुबह से 5 घंटे से मेन हाईवे जो है वो जाम है, जिसके चलते हुए आप देख सकते हैं किसान यहां पर सुबह से बैठे हुए हैं और अपनी फसल की बिक्री को लेकर, अपनी फसल की नुकसान को लेकर MSP पर खरीदारी की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारी फसल को, सूरजमुखी की जो फसल है उसको MSP पर खरीदा जाए। आप देख सकते हैं अब 15 मिनट के समय के बाद क्या कुछ रहने वाला है वो आपके सामने लाइव होएगा। मेरी आप सभी से अपील, ये लाइव मैं तब तक नहीं बंद करूंगा जब तक अब यहाँ का जो निर्णय है वो नहीं आने वाला। आप सभी से मेरा अपील है, इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। अब 15 मिनट में शायद 5 या 6 मिनट बचे हैं, 5 या 6 मिनट ही बचे हैं। अब 5 या 6 मिनट में देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ निकल कर यहाँ पर आएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस जो है पूरी अपनी टीमों के साथ तैयारी करे हुए यहाँ पर आपको नज़र ज़रूर आ रही होगी, पूरी पुलिस की टीमें आपको यहाँ पर खड़ी हुई ज़रूर नज़र आ रही होंगी। अपील आप सभी से करूँगा, 1000 बंदा जुड़ चुका है इस लाइव के अंदर, आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। और लोग ऊपर भी लोग देख सकते हैं कितने पहुँच चुके हैं, कितने लोग
ऊपर पहुंच चुके हैं, ये आप तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं, लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, ऊपर लोग कैमरे उठाए अपने ऊपर की ओर भी पहुंच जाते हैं। अब 15 मिनट लगभग 5 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट बाकी हैं, अब उसके बाद इन किसानों को यहाँ से उठाने का प्रयास जो है वो प्रशासन द्वारा किया जा सकता है। गिरफ्तारी होती है या क्या होता है वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो तमाम जो टीमें हैं वो तैयार पुलिस की हो चुकी हैं, चाहे आप देख सकते हैं वाटर कैनन हो, चाहे जितनी भी आप देख सकते हैं दूर दूर तक तस्वीरें, पुलिस ही पुलिस आपको यहां पर नजर आएगी, देख सकते हैं पुलिस ही पुलिस आपको नजर आएगी। और दूसरी ओर किसान आमने सामने बिल्कुल हो चुके हैं। अब आखिरकार 5 मिनट के बाद क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल 5 मिनट ज़रूर बचे हैं, जो 15 मिनट का समय दिया गया था उसमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट बाद अब किसान यहां से उठेंगे या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। 15 मिनट का अल्टीमेटम जो है वो प्रशासन द्वारा, शाहबाद प्रशासन द्वारा दिया गया था कि यहां पे यहां से उठ जाइए, पर यहां से जो किसान है वो टस से मस नहीं हुए, यहां से किसान जो है वो नहीं उठते, उसी तरह से यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में। आप सभी से मेरा अपील, इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। अब किसानों की गिरफ्तारी होती है या यहाँ से किसानों को खदेड़ा जाता है वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल अब प्रशासन ने अल्टीमेटम ज़रूर दे रखा था, प्रशासन ने अल्टीमेटम जो है वो ज़रूर दे रखा था कि 15 मिनट अब लगभग शायद 3 से 4 मिनट बचे हैं। देख सकते हैं प्रशासन की टीमें अब आगे ज़रूर बढ़ेंगी, जिसकी आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। अब पीछे से क्या एक हिदायतें आती हैं अब देखने वाली बात होगी। हालांकि समय जो है वो पूरा होने पर है, समय जो है वो पूरा होने पर है। देखिए किसान किस तरह से आगे हुए बैठे। ये लाइव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीसी हरियाणा आपको दिखा रहा है। मैं आप सभी से अपील कर रहा हूँ इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।